कांग्रेस के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा बिठाए रखने एवं पूछताछ को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा सिद्धार्थनगर में भी सत्याग्रह एवं प्रदर्शन किया गया। जिले के मुख्यालय स्थित नगर पालिका सिद्धार्थनगर के परिसर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष काजी सुहेल अहमद की अगुवाई में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी चंदेश उपाध्याय समेत दर्जनों वरिष्ठ नेता शामिल रहे और सभी ने प्रशासन को ज्ञापन देकर कार्यवाही की मांग की। वहीं मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम ने बताया, मीडिया से बात करते हुए सत्याग्रह को लेकर जानकारी देते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और ईडी के दुरुपयोग का करने एवं उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। सांसद जी, आज क्या कार्यक्रम था, उद्देश्य क्या था इसका? आज हमारे कांग्रेस पार्टी का सत्याग्रह था। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार जो देश में बैठी है, ईडी के साथ उत्पीड़न कार्रवाई कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है। इसके उद्देश्य में, इसी के परिप्रेक्ष्य में आज सत्याग्रह पूरे देश के जनपद मुख्यालय पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। क्या आपका सत्याग्रह सफल रहा? बहुत कामयाब रहा हमारा सत्याग्रह। हमने सत्याग्रह किया और एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।